नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सीआईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं कृति वढेरा जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 10 पर। ये जो सत्र है ये हिंदी का रहेगा, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए रहेगा। आपकी किताब का एक पाठ हम यहाँ चर्चा में शामिल करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, आज जो एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप सभी से परिचय कराना चाहूंगी। डॉक्टर नरेश कोहली जी का, आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस एनसीईआरटी में कार्यरत हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद कृति, और अपने सभी साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। जी, आज की इस चर्चा को हम आरंभ करें उससे पहले आप सभी को यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपके कोई प्रश्न हो, कुछ सुझाव हो, तो हमसे जरूर साझा करें। हमारा टोल नंबर रहेगा 8800440559। इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के ऑफिशियल चैनल यूट्यूब चैनल पर भी आप जा सकते हैं, जिसका नाम है एनसीईआरटी ऑफिशियल, और वहां भी लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सभी सुझाव और सवाल हमें भेज सकते हैं। एक और माध्यम है जिसके जरिए आप संपर्क कर सकते हैं अपने सभी सवालों को, सुझावों को, आप हमें मेल करें dth.class10@ciet.nic.in। तो ये सभी वो जरिए हैं जिसके माध्यम से आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है आज के सत्र को आरंभ करने का। पुनः स्वागत करूंगी आपका डॉक्टर कोहली। आज इस सत्र के लिए कौन सा पाठ आपने चुना है, क्या चर्चा रहेगी? जी देखिए कृति, आज हमने एक नई कविता चुनी है, और वो जो हमारी 10वीं की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसमें शामिल है। और ये कविता एक तरह से जो हमारा काव्य खंड है उसका आखिरी हिस्सा है। उसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा कि जो नवीनतम हिस्सा है वो पहले करें, ताकि हमारे जो नए साथी जुड़ेंगे 10वीं कक्षा में, वो थोड़ा सा सरल से एक तरह से जो हमारी मध्यकालीन कविता है उसकी तरफ जाएं, जिसमें कि सूर, तुलसी, जायसी, ये सब हमारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल हैं। लेकिन आज हमने जो कविता ली है वो हिंदी के एक बेहद चर्चित कवि हैं, और अब तो आप मुझे कहना पड़ रहा है कि कवि थे, वैसे कवि हमेशा ही रहते हैं, इनका पिछले दिसंबर में ही देहांत हुआ है। और ये भी एक हमारे समय की विडंबना है कि जिससे हम सब लोग जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना की जो जटिलताएं थी उनसे इनको जूझना पड़ा, और अंत दिसंबर 9 में, यानी कि 9 दिसंबर 2020 2020 में ये हमें छोड़ के चले गए। लेकिन ये अपने समय के, हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है कि कविता के बारे में हम बात करें, कविता बेहद छोटी सी है और उसका शीर्षक है संगतकार। अर्थात एक होता है, इसकी पूरी शब्दावली इस कविता की और इसका जो संदेश है, जो उसका भाव है, वो क्या है? दरअसल वो पूरी संगीत से, नाटक से, फिल्मों से, जैसे कि एक मुख्य किरदार होता है, एक मुख्य गायक होता है, लेकिन साथ ही साथ उसका साथ देने वाले बहुत सारे संगतकार भी होते हैं, यानी जो उसका साथ निभाते हैं, लेकिन उनकी भूमिका होती बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कितनी महत्वपूर्ण है ये कविता हमें बताएगी। और दरअसल क्या होता है कि जिस पे कहते हैं ना फोकस, जो केंद्र होता है वो मुख्य गायक हो जाता है, मुख्य अभिनेता हो जाता है, नेता हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो काम करने वाले हैं, जो सहायक है, वो कहीं ना कहीं कम कहिए कि जाने पहचाने रह जाते हैं। लेकिन कवि ने जो उल्टा उसका किया है कि मुख्य गायक तो अपनी जगह है, लेकिन संगतकार की क्या महत्ता है, उसकी तरफ इन्होंने बहुत खूबसूरती से कहिए कि उस बात को ढाला है। और जब हम पूरी कविता पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो पूरा परिदृश्य हमारे सामने आ गया। जब मैं इसको पढ़ूंगा तब आप देखेंगे। और इससे पहले कि हम कविता पे विस्तार से बातचीत करें, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इनका जीवन परिचय भी हमारे जो छात्र हैं 10वीं के, वो संक्षेप जो बेसक वो उनकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, उससे थोड़ा सा परिचित। जैसे डॉक्टर कोहली, इससे पहले आप इस बात को आरंभ करें जो कविता से संबंधित है, एक बात मैं अपने दिल की यहाँ कहना जरूर चाहूंगी। यकीनन जो अभिनय कर रहा होता है, जो मंच पर होता है, उसके लिए जरूर वाहवाही होती है, उसको कहा जाता है, सराहा जाता है, पर संगतकार, जैसे आपने कहा कि कविता का नाम है, जो संगत करते हैं या जो साथ देते हैं उस परफॉर्मेंस को उतने जिंदा दिल बनाने के लिए, तो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। जैसे कि मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है आप और हम
घर बैठे ही वर्चुअल माध्यम से जरूर जुड़े हैं, पर सीआईटी की टेक्निकल टीम देखिए लगातार तत्पर है, कार्यबद्ध है, हमें आपको जोड़कर हम लाइव टेलीकास्ट देश भर में बच्चों को पहुंचा रहे हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल सही उदाहरण दिया है, और मैं अपनी बातचीत में मेरा इरादा था कि हम अपने सीआईटी के साथियों को भी इस भूमिका में देखेंगे, अपने साथियों से, आपने उसको रेखांकित पहले ही कर दिया। बिल्कुल, इसका मतलब जो कवि कहना चाह रहा है उसको हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ के भी देख के भी समझ पा रहे हैं, और यही उनका उद्देश्य भी है कि इस पूरी कविता में शब्दावली है वो संगीत की है, लेकिन खुद कवि ने भी ये बात कही है अपनी बातचीत में कि ये शब्दावली बेशक संगीत की हो लेकिन जीवन के जो दूसरे पहलू हैं, जो दूसरे क्षेत्र हैं, ये उन पे भी उतनी ही लागू होती है। परिवार हो, हमारा कार्यालय हो, हम जैसे अभी आपने सीआईटी का उदाहरण दिया कि हम लोग सुबह से हमारे जो साथी लोग हैं वो इस संगतकार की भूमिका में हैं, लेकिन उनकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, बेशक चेहरा हमारा और आपका दिखाई दे रहा हो। ये कवि बार बार कह रहे कि इस कविता को हम, इसका जो दायरा है वो बहुत विस्तृत हो सकता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कहीं पे भी हम इसको देख सकते हैं। और यही एक बड़े कवि की है कि वो एक रूप घड़ता है, एक सांचा बनाता है, एक दृश्य पेश करता है और वो उस दृश्य के पार चला जाता है। यही इस कविता में भी है कि कविता हमारी कहीं छूट ना जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक संक्षिप्त सा परिचय पहले हम दें। देखें कि मंगलेश जी का जन्म 16 मई 1948 में हुआ, टिहरी गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में है, काफल पानी एक गांव है, वहां पे हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो देहरादून में हुई, और उनके बाद उनका जो कहना चाहिए एक लंबा पत्रकारिता का, साहित्य का एक लंबा संघर्ष चला कि वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में काम करते रहे, चाहे वो मान लीजिए जैसे कि हिंदी पेट्रियाट हो, प्रतिपक्ष हो, आसपास हो, पूर्व ग्रह हो, जनसत्ता अखबार में एक साहित्यिक संपादक के तौर पे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि उस समय की जो साहित्यिक पृष्ठ होता था वो आज भी लोग अपने पास सुरक्षित रखे हुए हैं, कि वो इतना उसमें सामग्री इतनी बेहतरीन आती थी कि वो आज भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो इनकी सबसे बड़ी बात है, ये हमारे समय के बड़े कवि हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, और इनके 6-7 संग्रह हमारे पास, कविता संग्रह मिलते हैं, जिनमें की सभी एक से बढ़ के एक है। और अगर संक्षेप में भी आप इसको देखें, जैसे कि सबसे पहले इनका जो संग्रह आया वो पहाड़ पर लालटेन, ये पहाड़ के उत्तराखंड के हैं, और देखिए शीर्षक में भी वो चीज निकल के आई कि उनका जो शीर्षक है वो पहाड़ पर लालटेन है। एक बात और मैं कह दूं, बेशक इनकी कविता आज हम संगतकार पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये अक्सर एक कवि को उद्धृत करते थे और खुद भी उसी बात को महसूस करते थे कि ये जो लाइन थी वो ये कुछ इस प्रकार से थी, शब्दावली अलग हो सकती है, कि जो पहाड़ की जो यातनाएं होती हैं वो हमारी पीठ के पीछे हैं, और जो मैदान की यातनाएं हैं वो हमारे सामने हैं। तो ये लगातार पहाड़ और मैदान, और उसके बाद जो दिल्ली का इनका संघर्ष है वो लगातार बना रहा। फिर वो देखिए पहाड़ पर लालटेन, दूसरा संग्रह इनका है घर का रास्ता, और तीसरा संग्रह जो था कि हम जो देखते हैं, जिसपे इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला और 2000 में मिला, वो यद भी वो प्रकाशित पहले हुआ था। आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, नए युग में शत्रु, ये 5-6 संग्रह जो कि बहुत चर्चित संग्रह हैं और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संग्रह हैं। साथ साथ में इसमें डबराल जी की, मंगलेश जी की एक खास बात ये भी है कि, और ये सभी को देखना चाहिए हमारे साथियों को, कि एक कवि जब गद्य लिखता है तो उसका रंग रूप कुछ अलग ही होता है, उसकी जो कहिए छटा अलग ही होती है, और वो आपको इनके यहाँ पे भी दिखाई देगी कि दो तीन संग्रह हम कह सकते हैं कि एक लेखक की रोटी और एक कवि का अकेलापन, एक इनका यात्रा वृतांत है जो कि इन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान लिखा था, और वो है कि एक बार आयो, आयोवा, एक बार आयोवा, कि ये अमेरिका की एक जगह है, वहां पे उसको लेके इन्होंने अपना यात्रा वृतांत लिखा। और इसके साथ साथ इन्होंने देसी विदेशी बहुत सारी भारतीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं का जो महत्वपूर्ण कहिए कि कविताएं हैं उनका अनुवाद किया, संपादन किया, पट कथा लेखन किया, बहुत सारा विविध कहिए कि इनका लेखन रहा। और उसके पीछे कारण शायद एक ये भी है कि
इनके पास जो कहिए कि ना जिसको स्थायी आजीविका का कोई वो ना रहने से वो लगातार कार्य क्षेत्र बदलता रहा और वो चीजें अपने आप आती रही। लेकिन जो इस कविता का भी केंद्र है और उनके पूरे विचार का भी कहिए कि केंद्र बिंदु है, वो ये है कि मंगलेश जी की जो कविता का केंद्र है वो उनकी आम इंसान की मनुष्यता है, और इस मनुष्यता के खिलाफ जो भी ताकतें काम करती हैं, चाहे वो बाजार की ताकत हो, चाहे वो सामंती मूल्य हो, सामंती बोध हो, चाहे वो पूंजीवादी कहिए बाजार हो, उसके खिलाफ ये बिना किसी कहिए कि शोर शराबे के एक सुंदर कहिए रचना रचते हैं, एक सुंदर सपना रचते हैं। और लगातार आप एक देखेंगे कि इनकी कविता में कोई आपको दुविधा, कोई बिल्कुल एक पारदर्शी भाषा की तरह आप साफ देख सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और किस ढंग से वो साफ साफ हमें दिखाई देगा। ये संगतकार कविता है, इसका संक्षिप्त परिचय भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी साथी जब अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे। मैं सीधा कविता पे आना चाहूंगा क्योंकि कविता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको अगर हम संक्षेप में देखें कि वो क्या कहना चाह रही है, कविता को समझने का, समझाने का, बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका ये कहा जाता है कि उस कविता को एक दो बार आप खुद पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि कविता कैसी है और वो क्या कहना चाह रही है। धीरे धीरे उसके अर्थ अपने आप खुलते जाएंगे। जैसे अगर हम इसकी शुरुआत करें तो देखिए कविता दो तीन अंशों में है, और आप पूरी शब्दावली जैसे हमने शुरुआत में बात की थी वो संगीत की है, लेकिन वो उसके आर पार जाती है। मैं कोशिश करता हूं कि उसको थोड़ा सा अपने अंदाज में पढ़ें, और एक हर पाठक का अपना अंदाज होता है, जब वो पढ़ेंगे तो अपने तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं कि संगतकार मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, ये उस आवाज के बारे में बता रहा है। कि आप पहले हम एक बार पहले कविता पूरी पढ़ते हैं, फिर एक एक बार उसको कोशिश करेंगे कि उसका कोई थोड़ा अगर अर्थ विस्तार है तो वो देखें कि या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस कविता में है वो आखिरी हिस्से में है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, ये वो बात है जिसकी ओर कवि हमारा ध्यान ले जाना चाहता है कि जो संगतकार है वो अपनी आवाज को ऊपर नहीं उठाता, अपने स्वर को तेज नहीं करता, इसको हमें उसकी विफलता नहीं समझना है, दरअसल वो उसकी मनुष्यता है, इसी वजह से वो अपनी भूमिका को अपने ढंग से निर्वाह करता है। और अब आइए जरा एक एक करके हम इसको फिर से देखते हैं कि अब आप देखिए कि जो गायक, आप एक दृश्य की कल्पना करिए जिसमें कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी,
अब दो एक बार पहले भी मैंने कहा और ये कविता के बारे में पता नहीं क्यों हर बार मुझे कहना पड़ता है कि कविता का जो सौंदर्य है वो अक्सर हम देखते हैं कि विरोधाभास में दिखाई देता है, दो विपरीत परिस्थितियों में वो दिखाई देता है। जैसे देखिए एक तरफ क्या है, गायक मुख्य गायक का चट्टान जैसा भारी स्वर, और भारी स्वर का मतलब वो बहुत ही मजबूत स्वर है, जैसे कि चट्टान भारी भारी स्वर है, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, और उसके साथ में जो दूसरी आवाज आ रही थी वो कैसी थी, वो सुंदर थी कमजोर थी कांपती हुई थी। और यह कौन हो सकता है, उसमें फिर थोड़ा विस्तार देते हैं कवि कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या कोई पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का स्टार है जो कि उसको गीत संगीत को सीखना चाहता है। ये वो बता रहा है कि एक तरफ तो मुख्य गायक है उसकी आवाज है, और दूसरी तरफ ये हो सकता है जो संगतकार है, और मुख्य गायक की गरज में, जब उसकी आवाज में गर्जना होती है, मुख्य गायक जो होता है एक भारी आवाज है, उस मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, सदियों से जब से हम सुनते आए हैं कि मुख्य गायक और उसके जो सहायक होते हैं वो आपको लगातार दिखाई देंगे कि समाज में नायक और उसके सहायक, गायक और उसके सहायक, ये आपको लगातार दिखाई देंगे, उसमें वो अपनी गूंज मिलाता है, अर्थात जैसे उसकी आवाज रिफ्लेक्ट होती है उसी तरह से वो सीख रहा है और वो अपनी आवाज भी उसमें मिला रहा है। और रोचक बात ये है कि लंबे समय से वो अपना उसका साथ देता है, लेकिन गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, कई बार होता है क्या है कि जो गायक होता है, इसमें शब्दावली सारी उसकी है संगीत की, जैसे अंतरा क्या है, जैसे मुख्य टेक होती है एक दो पंक्ति की जो टेक होती है जो बार बार रिपीट होती है हर पैराग्राफ के बाद, और जो पैराग्राफ होता है वो बीच में उसको हम कहते हैं कि अंतरा है, कि जब मुख्य गायक बार बार उस अंतरे की जो जटिल तान है उनमें उलझ जाता है, जैसे जंगल में खो जाता है, तब या एक दूसरी संभावना ये भी होती है खो नहीं जाता हो, वो अपने ही सरगम को, यानी कि जो संगीत के साथ सुर है उनके सरगम को लांग कर क्रॉस कर जाता है, यानी कि वो खो जाता है चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, अनहद मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, कि जहां संगीत और शून्य एक हो जाते हैं, कि आपको वो मुख्य गायक तो वहां चला गया, लेकिन ऐसे समय में ही संगतकार क्या है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, तब ये आप देखिएगा जो साइड में बैठे होते हैं गाने वाले के, गायक बेशक कितनी ही तान अनुतान वितान संगीत की आरोह अवरोह लय तान कुछ भी करता रहे, वो जादूगरी दिखाता रहता है सुर की, लेकिन संगतकार जो होता है वो मुख्य स्वर को पकड़े रहता है, जैसे हम गीत संगीत में क्लासिकल में देखते हैं, और वो फिर धीरे से उसी स्वर को लगा देता है, तब स्थाई जो होती है टेक जो होती है उसको संभाले रहता है, और इस दौरान एक तरह से उस स्थाई को जब संभालता है तो वो क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जब मुख्य गायक तो अपना गाके और जैसे होता है कि भाई बड़ी हस्ती है तो वो चल देते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो उसके सहायक होते हैं, कोई ढोलक संभाल रहा है कोई उस पे कवर चढ़ा रहा है, तो ये जो सामान समेटना है वो उसको समेटता है, मुख्य स्वर को संगीत जो कहते संगतकार समेट रहा है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसखिया था, और ऐसा करके वो एक इशारा भी कर रहा होता है कि मुख्य गायक को ये मत समझो कि भाई आज हम समान हो रहे हैं, या कहिए कि हमें आपके सहायक की भूमिका में, एक दिन वो भी इसी भूमिका में था जब वो सीख रहा था, जब वो नौसिखिया था, और ये लगभग वही भूमिका वही निभा रहे हैं कि आज वो नौसिखिया एक दिन वो भी था। और एक चीज और फिर कहते हैं कि ये शब्दावली फिर उसी की है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। ये जो संगतकार है कैसा, देखिए तार सप्तक तीन तरह के हमारे यहाँ सप्तक माने गए हैं, कि एक जो मध्यम आवाज का है,
एक उससे जो नीचे गाते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी आपकी बात में, तीन सप्तक माने गए हैं संगीत में, एक मंद्र जो कि नीचे आवाज का, मध्यम जो कि एक मध्यम लय में हम बात कर रहे हैं आप और हम, और एक वो ताल सप्तक जिसमें हमारे आपकी सभी की आवाज में ऊंची आवाज में बात करने पे कहीं ना कहीं गले पे जोर पड़ता है। और यही वो ताल सप्तक की बात है, उन्हीं की बात है। और जब जब जोर से गाते हैं और जब वो गला बैठने लगता है उसका, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं गायने की, बोले ऐसा लगता है कि भैया लो मामला, आप सुर टूटा, आप सुर टूटा, ये हो जाता है। और उत्साह उसका कहीं अस्त होता हुआ, अस्त होता नहीं, ऐसा लगता है होता हुआ, पूरी तरह अस्त नहीं होता। और आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, जैसे जब आग बुझने लगती है उस पर हल्की हल्की राख आने लगती है, यानी कि स्वर कहीं ना गड़बड़ा ना जाए, बुझ ना जाए, वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तब तभी क्या है, मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, फिर वो अपना सुर लगा देता है जो पीछे बैठा हुआ है साइड में संगतकार, कि भैया इसको फिर से गाया जा सकता है। ये कहते हुए एक इशारा होता है कि कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, एक सुर अपने मन से भी लगा देता है, ट्रेनिंग की तरह, जैसे होता है ना कि हाँ भाई तुम भी कुछ गा, तो वो एक ऐसे ही गा देता है। और ये भी बताता है कि यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है, और यह भी कि यह फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग, जो हमने गाना गा दिया है, जो राग हम ले चुके हैं, अलाप चुके हैं, गा चुके हैं, वो फिर से गाया जा सकता है। इसका मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही संवेदनशील और एकदम दिल से दिल में पहुंचने वाला राग था, तो क्यों नहीं इसको एक बार फिर से दोहराया जाए, गाया जा चुके, गाया जाए। और सबसे खास बात है वो मुझे लगता है वो इसकी इस आखिरी चार पंक्तियों में है, और वो ये है कि अब ये इसमें एक लगातार आप देखेंगे कि एक जो संगतकार है उसकी झिझक है, उसके साथ कहीं ना कहीं उसमें अपनी आवाज को जो है वो ऊपर नहीं उठाता, वो ऊंचा नहीं उठाता, वो क्या कह रहा है कि और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। आप चाहें तो वो अपनी आवाज में वो गाना गा सकता है, अगर मान लीजिए बेशक वो नौसिखिया भी हो, संगतकार भी हो, लेकिन उसको सुर की और उसकी समझ है, लेकिन उसमें अपने मुख्य गायक के प्रति एक सम्मान है और वो एक हिचक है, हम उसको साफ महसूस कर सकते हैं, और इसीलिए वह अपना स्वर ऊंचा नहीं उठाता है। तो एक हिचक आपको दिखाई देगी उसमें, और एक देखिए कहा है कि अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है वो लगातार, ऐसा नहीं है कि वो आप उसको कम आता है, उसकी कोशिश है कि मुख्य गायक पे फोकस रहे, और वो कोशिश करके अपने आप को कंट्रोल किए हुए कि मुझे अपनी आवाज को ज्यादा ऊंचा नहीं उठाना है, मेरी भूमिका यहाँ संगतकार की है और मुझे अपनी आवाज को कोशिश करके कम रखना है, वही वो वहां पे। और सबसे जो मार्मिक पंक्ति है और जो जिसकी तरफ मंगलेश जी इशारा कर रहे हैं कि मित्रों ये हमें उसे उसकी विफलता नहीं, ये जो उसकी हिचक है, जो उसकी अपने सुर को अपने स्वर को ऊपर ना उठाने की जो जानबूझ के की गई कोशिश है, ये उसकी विफलता नहीं, उसकी असफलता नहीं, बल्कि उसकी मनुष्यता है, उसकी मानवीयता है, जो कि अपनी निर्धारित भूमिका को बहुत ही ध्यान से सोच समझ के उसका निर्वाह कर रहा है, और इसीलिए उसकी आवाज में एक हमें हिचक और एक जानबूझ के थोड़ा सा एक आवाज को नीचे रखने की जो है कोशिश दिखाई देती है। और यही हमारे कहना चाहिए, आप देखिएगा कि हो सकता है किसी फील्ड में किसी की भूमिका, पीछे वाले की भूमिका जो संगतकार है वो महत्वपूर्ण रही हो, फिर जैसे हम लोग शुरू में भी बात कर रहे हैं कि गायक हो, फिल्मकार हो, फिल्म तो पर्दे पे हम लोग देखिए कि कुछ चित्र देखते हैं, कुछ कुछ ही चरित्र हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिल्म बनाने के पीछे कितने लोगों की भूमिका होती है, वैसे ही ये सारी जो भूमिकाएं हैं हमारे घर परिवार में, परिवेश में, समाज में, सब जगह दिखाई देगी। इसलिए कवि का फोकस जो मुख्य गायक है उसके भारी चट्टान जैसे स्वर पे नहीं, जो उसकी कोमल सुंदर जो आवाज है उसके ऊपर है, और कवि ये चाहते हैं, मंगलेश जी चाहते हैं कि हम इन मुख्य गायक गायिकाओं के साथ जो संगतकार हैं
उनकी भी जो मनुष्यता है उसको ध्यान में रखे, उसे अनदेखा ना करें, नहीं तो जो उनका योगदान है कहीं ना कहीं हम उसको नकारेंगे, जो कि एक अच्छे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। जी ये डॉक्टर कोहली, अंतिम एक मिनट बचा है, मैं चाहूंगी आप अपनी बात को पूरा करें। जी बस इसमें यही है कि कविता में जैसा हमने कहा था कि ये पूरी की पूरी शब्दावली है वो संगीत की है, गीत संगीत की है, लेकिन इसका दायरा कवि ने चुना संगीत की शब्दावली को है, लेकिन वो उसके आर पार जाता है, समाज के विविध क्षेत्रों में जाता है। हमें अब अगर ये हम सबके दिलो दिमाग पे ही कहना चाहिए छाया हुआ है कोरोना का जो पूरी की पूरी है, अगर आप हमें इसमें डॉक्टर और नर्सेज ही दिखाई दें, बेशक उनकी मुख्य भूमिका है, लेकिन उसके पीछे पीछे पूरी श्रृंखला है, जो सफाई कर्मचारी हैं, इवन जो मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटल के गेट पे जो चौकीदार होता है, एम्बुलेंस ड्राइवर होता है, जो कोई भी दवाई पहुंचाता है समय में, कितने सारे लोग हैं जो अदृश्य रह के अपने आवाज को कम उठा के उस मुख्य भूमिका निभाने वाले को ही सपोर्ट करते हैं। हमें दोनों को देखना है, लेकिन संगतकार को कभी भूलना नहीं है, उसकी मनुष्यता को कमजोरी नहीं समझना, ये उसकी ताकत है। और हमारे विद्यार्थी भी, हमारे साथी भी अगर इस दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे तो वो चीजें, वो व्यक्ति बेहतर हमें नजर आएंगे जिन्हें हम शायद कम महत्वपूर्ण मानते हैं। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। कोरोना महामारी के काल को ही अगर आप और हम सब देख लें तो हमारे आसपास अनगिनत संगतकार हैं जो इस महामारी से लड़ने में हम सभी की मदद लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर कोहली, आज इस सत्र के लिए जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरती से इस कविता का पठन पाठन करने के लिए, समझाने के लिए हमारे सभी दर्शकों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद कीर्ति, और अपने सभी साथियों को जो आज संगतकार की भूमिका में थे उनको विशेष तौर से धन्यवाद। जी यकीनन, हमारे आपके सभी के आसपास इर्द गिर्द बहुत संगतकार होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहे होते हैं, तो उनके प्रति संवेदनशील जरूर रहें। और इसी के साथ आप देखते रहें पीएमई विद्या एनसीईआरटी का रिसोर्स मटेरियल, दिन भर आपके लिए जारी है। अभी के लिए आपसे विदा चाहूंगी।